नमस्कार, मैं हूँ नीलम मौर्य और मेरे चैनल नीलम रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हरी मटर से बनती है। हरी मटर को आपने अलग अलग तरीके से बनाया और खाया होगा। हरी मटर से बना निमोना यूपी की बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसे सर्दी के मौसम में बनाते हैं जब ताज़ा हरी मटर मिलने लगती है। ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यूपी का फेमस निमोना। ये मैंने 400 ग्राम छिली हुई ताज़ा हरी मटर ली है। इसको मैं पीसूंगी, उसको एक जार में मैं डाल देती हूँ। एक जार में और लेती हूँ, उसमें मैं इसकी चटनी तैयार करूंगी। ये हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हरा लहसुन है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो आप सूखा लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद वाला। ये हरा धनिया है, इसको भी डाल के इन दोनों को हमें अच्छे से पीस लेना है। हरी मटर थोड़ा हम दरदरा ही पीसेंगे, इसको एकदम पेस्ट नहीं बनाएंगे। अभी ना पानी डाले इसको पीसिएगा। ये देखिए दोनों पीस के तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ, हरी मटर थोड़ा दरदरा ही रहेगी, एकदम हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है। पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है इसमें। सबसे पहले एक भगोने में पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए। इसको गर्म होने देते हैं, तब तक एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा उसके बाद ये मेथी है, इसको मैंने डाल दिया है एक छोटी चम्मच। तेज पत्ता 3 से 4, गैस का फ्लेम लो रखेंगे एकदम। ये हींग है, आप कोई भी मटर की सब्जी बनाइए या कुछ भी तो आप उसमें हींग का जरूर यूज करिए। ये 2 कटे हुए आलू है, इसको हमें आलू को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक एकदम भून लेना है अच्छे से इन तेल में। गैस का फ्लेम अब हम हाई कर देते हैं ताकि जो आलू है वो जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए ये हो गया है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दे रही हूँ। टमाटर हमें जब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और टमाटर के साथ साथ हम मसाले भी डाल लेते हैं अब, ताकि अच्छे से टमाटर के साथ मसाले भी पक जाए इसमें। ये गरम मसाला है 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर, इन सबको डाल के अच्छे से मैं मिला लूंगी इसमें। इससे मसाला हमारा भुन जाएगा और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और उसको ढक के हम पकाते हैं जब तक ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं हमारे, इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं अच्छे से, इसको दबा के जो थोड़ा बहुत रह गया हो वो भी अच्छे से पक जाए। अब मैं इसमें हरी मटर ऐड कर रही हूँ जो मैंने पीस के रखी थी। अगर आप पानी डाल के इसको पीसेंगे तो गीली हो जाएगी और ये अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल, और ये अच्छे से भुनाएगी भी नहीं। फिर इसको हमें अच्छे से भून लेना, इन सब चीज़ों में डाल के मिक्स करेंगे हम अच्छे से। इसका जो मॉइस्चर है वो सूख जाए जब तक हमें इसको भूनना है। ये थोड़ी ड्राई हो जाएगी, ये देखिए ड्राई होना शुरू हो गई है ये। इसको हमें लगातार चलाते रहना है, अगर आप लगातार नहीं चलाएंगे तो नीचे से जलने लगेगी। इसको अच्छे से दबाते हुए हम इसको भूनेंगे। इसको भूनने में आप मीडियम आंच पे इसको 10 मिनट तक भूनिएगा, तभी अच्छे से भून जाएगी। ये देखिए ये ड्राई हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। चलिए इसमें अब पानी मिला लेते हैं
जो मैंने गरम करके रखा था पानी, गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे नहीं तो पानी छटकने लगेगा। ये देखिए इसको डाल लेते हैं इसमें, पानी गरम हो गया हमारा अच्छे से, गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ पानी डालने पे एकदम पतली हो जाएगी इसकी ग्रेवी। अब गैस का फ्लेम लो हाई कर देते हैं, इसको चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को अच्छे से पानी में। ये देखिए ऐसे ही देखिए गर्म पानी डालने से ये तुरंत बॉयल होना शुरू कर देता है। अब इसमें मैंने जो धनिया और लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल लेती हूँ इसमें। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी मैं। अगर आपको ज़्यादा सूखा पसंद है तो आप वैसा भी ड्राई भी बना सकते हैं। इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। इसे आप चावल या रोटी किसी के साथ भी खाइए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसको ढक के मैं 5 मिनट के लिए पकने देती हूँ। ये देखिए इसका मतलब ये कि ये हमारा पक गया है निमोना अच्छे से, आलू भी हो गया है। इसको एक बार मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं आप। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म निमोना तैयार है। इसे आप चावल या रोटी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए।